जो रिपोर्ट बाहर उसका ड्राफ्ट बाहर निकला है उसमें आप लोगों ने जो देखा होगा कि उसमें क्या क्या इन्होंने इतनी धंधली डाल दी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इतनी खरबली डाल दी है कि उसका आप अंदाज़ा लगाना भी मुझे लगता है मुश्किल है बड़ा। जैसे हमारा आरएसपुरा की जो इन्होंने जो आरएसपुरा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप ने आरएसपुरा के साथ जो दोहा किया है, आरएसपुरा की दो सीटें थी उसमें हम चाहते थे लोग कि आरएसपुरा की डीलिमिटेशन अब 26 साल के बाद डीलिमिटेशन होने जा रही है, जो 2 सीटें के बदले 3 सीटें होने जा रही हैं। सब लोगों को जो उम्मीद थी, लोग इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि 2 की 3, मगर जब ड्राफ्ट सामने आया लोगों के बीच में सामने, तो उसमें कुछ चुकाने वाली बातें सामने आई हैं जो कि 2 की बदले 1 सीट की गई है। और मैं समझता हूं, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान को ये बताना चाहता हूं कि आपने आरएसपुरा लोगों के साथ नज़रअंदाज किया, आरएसपुरा लोगों को और आरएसपुरा लोगों को के साथ आपने भेदभाव किया, आरएसपुरा लोगों के साथ आपने धोखा किया। मैं आपके माध्यम से नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह से ये कहता हूं, लेकिन आपको आरएसपुरा के लोगों के 1% भी आपको कोई 1% भी आप उनके मददगार हैं तो आप तुरंत अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और ये चेतावनी देता हूं कि जे आपने सीटें 1 के बदले 2 द्वारा नहीं की तो जहां पर भारी आंदोलन होगा आरएसपुरा में उसका जो जिम्मेवार होगी भारतीय जनता पार्टी होगी। और मैं आपके माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को यह कहना चाहता हूं कि शर्मा साहब आंखें खोलो, आप कुंभकर्ण की जो नींद सोए हुए हो आंखें खोलो, क्यों कि आपके आरएसपुरा के लोगों ने आपको भारी मतों से विजय जहां से विजय कराई थी, भारी बहुमत से वोट डाले थे आपका, आप जयिक आप हमें आरएसपुरा को जयिक आप कि उसका सिला देना चाहते हो कि आरएसपुरा के साथ आपने भेदभाव किया। ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में 70 साल से जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, मैं समझता हूँ 70 साल में भेदभाव नहीं हुआ। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की सरकार थी जहाँ पर उन्होंने जस्तुएगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, आरएसपुरा क्रिएशन करके जस्तुएगढ़ कॉन्स्टिट्यूशन हमें दी थी, हम तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन लोगों जो उस वक्त 1996 में जो डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस वहाँ पर हमने जस्तुएगढ़ करेगा। डीलिमिटेशन कमीशन सरासर लोगों के साथ धोखा हुआ है किया इन्होंने, आरएसपुरा लोगों के सियासी जो इन्होंने कत्ल किया उसको इनको भुगतना पड़ेगा। और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान को ये कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ी आपने जम्मू के बोल रहे भेदभाव किया आप लोगों ने, अब जम्मू के साथ आप 7 साल से आप भेदभाव कर रहे हैं, उसमें वो सिस्टम के ऊपर कब्जा कर दिया और जे 2 सीटें आरएसपुरा 2 सीटें वापस हमें मिलनी चाहिए।